आप सभी का स्वागत है QNS TV में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की इस पेशकश की शुरुआत करते हैं। स्कूल का नाम दोस्तों जब भी हम सुनते हैं तो दिमाग में आता है नॉलेज, और यहाँ नॉलेज देने वाले टीचर्स बच्चे और उनके आने वाले कल के बीच की एक जरूरी कड़ी है। टीचर्स ही बच्चों के कल को शेप देता है, पर एक टीचर के कारनामे ने टीचर्स की डिग्निटी को ही शर्मसार कर दिया। डोडा से रिपोर्ट दर्ज हुई कि डोडा के बरसवाना इलाके के एक स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर के खिलाफ FIR दर्ज की गई। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि FIR दर्ज करवानी पड़ी। उस टीचर के अगेंस्ट बच्चों को वल्गर और अश्लील फोटोज और वीडियोज भेजने के कारण FIR दर्ज हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब अगर आपको उस टीचर के बारे में थोड़ा कुछ बताएं तो वो टीचर बेंगलुरु का रहने वाला था और एक साल से डोडा के स्कूल में पढ़ा रहा था। वहां ये बात पहले भी बहुत बार सामने आ चुकी है कि इस टीचर से जुड़ी बहुत सी शिकायतें जो हैं लोकल्स ने स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंचाई थी, पर स्कूल मैनेजमेंट ने चुप्पी साधी हुई थी। और इसी चुप्पी का आज ये नतीजा रहा कि सरेआम इस स्कूल और इसके मैनेजमेंट की इज्जत बाजार में उछल गई। इसके अलावा ये बात भी सामने आई कि जो ये टीचर था, ये बच्चों और बच्चों के अलावा वहाँ की फीमेल टीचर्स का शारीरिक शोषण भी करता था। बच्चों को वो ये धमकी देकर चुप करवा देता था कि अगर बताया तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। अब जब ये मसला इस तरह खुलकर सामने आया तो ये टीचर वहां से भाग निकला। लोकल्स का कहना है कि इस टीचर के भागने में जो है उसकी मदद स्कूल मैनेजमेंट ने ही की। अब क्योंकि FIR दर्ज हो चुका है तो पुलिस इस टीचर की खोज में है। दोस्तों, कोई समाज नहीं चाहता कि उसमें इस तरीके का कोई इंसान हो जो उसकी इज्जत इस तरह से नीलाम कर देता हो। ऊपर से सबसे डेंजरस ये बात थी इस पूरे किस्से में कि जो ये ऐसा इंसान था, ये एक टीचर था। सोचिए क्या सीख दे रहा था ये बच्चों को, कैसी छाप छोड़ रहा था ये उनके मासूम दिलों पर। अगर टीचर की पोस्ट पे ऐसे इंसान होने लगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि बच्चे कल बड़े होकर कैसे अडल्ट्स के रूप में सामने आएंगे। अब हम ये बात कर ही रहे हैं तो इसी से जुड़ी एक और ऐसी ही खबर सामने आई, और वो ये है कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर अनंतनाग ने SHO वेरीनाग को चिट्ठी लिखी और उसमें रिक्वेस्ट की कि क्रंकसू अनंतनाग में स्थित अलसरवत कॉन्वेंट स्कूल के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये लेटर उस वीडियो के वायरल होने के बाद लिखी गई जिसमें ये देखा जा सकता था कि कुछ बच्चे जो वेरीनाग पिकनिक मनाने आए थे, वो तंबाकू लेते हुए कैप्चर हुए। अब यही देख लीजिए, एक तो समय ऐसा चल रहा है जहां बच्चे अपनी मासूमियत खोते चले जा रहे हैं, और उस पर अगर डोडा में पढ़ाने वाले उस टीचर जैसे एजुकेटर्स बच्चों के क्लोज कॉन्टेक्ट में होंगे तो जरा सोचिए हमारे आने वाले कल की पीढ़ी का क्या हाल होगा और क्या नजारा होगा वो। यहाँ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरह से काम करना होगा कि स्कूल में कहाँ क्या हो रहा है उस पर जो है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी नजर बनी रहे। फिर चीफ एजुकेशन ऑफिसर जैसे हायर अथॉरिटीज को भी लूप होल्स को चेक में रखने के लिए कदम उठाने होंगे, पर सबसे पहले पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज और बिहेवियर को चेक में रखना होगा और स्कूल के साथ टाइम टू टाइम जो है टच में रहना होगा। बस ये ना सोचे कि बच्चे स्कूल में है तो सेफ है। दोस्तों, बेफिक्र होकर ना बैठे, डू योर बिट एज वेल, तभी शायद कहीं बचाव की उम्मीद रहेगी, वरना हमारा आने वाला कल किसी को रास नहीं आएगा। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारे इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए QNS TV के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।